रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूं जिसमें जो ये गैस के बर्नर काले हो जाते हैं तो इसे कैसे हम साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम घर पर ही रखी हुई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो है वाइट विनेगर, जो खाने वाला विनेगर होता है। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी में आधा कप विनेगर ले लिया है, ये क्योंकि एक छोटा कप है तो मैं आपको बड़े कप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और इतना ही हम इसमें डालेंगे पानी। इन दोनों को एक बार मिक्स कर लेंगे और जो हमारे गैस के बर्नर हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। दोनों बर्नर बहुत अच्छे से इसमें डूब जाने चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा बच रहा है, तो मैं पानी और विनेगर का मिक्सचर थोड़ा और इसमें डाल लूँगी जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए। और इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे या आप फिर ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं। चार घंटे हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल कर साफ कर लेते हैं। साफ करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टील का जो स्क्रबर आता है वो यूज़ किया है। थोड़ा सा इसे भिगाकर हम इसे अच्छे से रगड़ लेंगे और आप देखेंगे कि ये कितने बढ़िया तरीके से साफ हो रहे हैं। कलर चेंज आपको इजीली दिख रहा होगा। इससे इसके होल्स भी अच्छे हो जाएंगे, जो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाते हैं वो एकदम अच्छे से साफ हो जाएंगे और खुल जाएंगे। बस इसे इसी तरह से हमें रगड़ना है और साफ करना है। और जब ये आप अच्छे से इसे रगड़ ले तो इसे वॉश कर लीजिए एक बार। देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल अब नया जैसा हो गया है। इसी तरह से हम जो दूसरा बर्नर है उसे भी साफ कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है अपने गैस के बर्नर को साफ करना। सिर्फ एक वो चीज जो हमें घर पर ही मिल जाती है वाइट विनेगर, उससे आप इसे साफ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।